आज है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में फिफ्थ सेमेस्टर का पहला दिन। देखे हमें उधर जूनियर नहीं मिले, मैंने सारा देखा। आप सो मैनी ड्रीम्स इन माय लाइफ, आई ड्रीम अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ, योर ड्रीम आई ड्रीम। फिफ्थ सेमेस्टर का पहला दिन, यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए हैं और यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर का आगाज हो गया अभी से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में फिफ्थ सेमेस्टर का पहला दिन। हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर का यार, इतनी मतलब 2 साल गुजर गए हैं, अब सिर्फ 2 साल रह गए हैं। काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है। अपनी फील्ड के रिलेटेड तो अभी बहुत कुछ सीखने वाला रहता है। तो आज हम आए थे कि हमारी प्रॉपर क्लास होगी, जैसे कि कल से टाइम टेबल आ चुका है कि मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज हम आए कि हमारी क्लास है, लेकिन हमारी क्लास नहीं हुई। सिर्फ 3-4 बच्चे आए थे, तो सर कहते हैं कि आज आप लोग अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें कि आपने इलेक्टिव में क्या क्या रखना है। बेसिक ये होता है कि आपका एक मेजर कोर्स होता है, एक आपका इलेक्टिव कोर्स होता है। तो आज हमने अपना इलेक्टिव कोर्स सेलेक्ट करना है। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में ये आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने इलेक्टिव में क्या रखना चाहते हैं। मेजर तो आपका फील्ड से रिलेटेड ही होगा, जैसे हम लोग टेक्सटाइल के हैं, तो हमारा मेजर है कि हमने डिज़ाइंस किस तरह बनते हैं, हाउ टू मेक डिज़ाइंस, कहते हैं फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइंस। ठीक है, तो आज हमने अब अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम जाएंगे जूनियर्स के पास, जैसे कि आज उनका भी फर्स्ट या सेकंड डे है, तो ज़रा देखते हैं, अपने जूनियर्स को जाके तंग करते हैं, उनसे ज़रा गपशप करते हैं। प्लान ये था कि हम जो वैसे जो मैं सुबह सोच के आई थी कि मैं जूनियर्स के साथ जाऊंगी और उनके अंदर मतलब मास्क लगा के, उधर के तकरीबन सारे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो मैंने ये सोचा था मैं मास्क लगा के पूरा उनके अंदर जाके बैठूंगी, इंट्रो दूंगी पूरा। पर सैड इधर ये बात थी कि उनका भी अभी लेक्चर नहीं हो रहा, यानी वो जो ओरिएंटेशन होता है ना, जो सर जो हमारे HOD हैं वो आके बताते हैं डिपार्टमेंट के बारे में, वो चीज़ उनकी नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है दोबारा रीएडमिशन हो रहे हैं अभी बच्चों के, अभी पूरे एडमिशन नहीं हुए उनके। लेकिन अब उनका है कि उनसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनसे उनका मटेरियल मंगवा रहे हैं। तो फिर अब हमने इधर जाके काम तो नहीं था ना करना, अब जब वो फ्री होंगे तब उनके पास जाएंगे, शुगल मेला लगाएंगे। अभी तब तक हम अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। यार बहुत भूख लग गई है, तो चलते हैं। अभी तो ये भी देखना है कि हमने रखना क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, किसमें टीचर्स कौन से हैं। सब्जेक्ट एक तरफ और टीचर्स एक तरफ, बात तो सही है। आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आप उनके साथ उस तरह अपना बाउंड बना सकोगे नहीं बना सकोगे। टीचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपको सिखाने, मतलब सिखाना तो आपको टीचर्स नहीं है ना, तो आपने फिर वो भी चीज़ देखनी है। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ। पहले चलते हैं अपनी क्लास में। यूनिवर्सिटी में ब्लॉगिंग करने का सिर्फ ये कह के यार शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब बात करते हैं कि जो हम पूछ के आए हैं सारा उससे रिलेटेड क्या सीन है, कि मैम ने भी सेम सेटिस्फाई किया है। उन्होंने पहले तो बताया 5-6 फील्ड के बारे में कि कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी रखनी चाहिए। तो
वैसे उन्होंने ना उन्हीं दो फील्ड के बारे में ज़्यादा मुझे कहा कि आप उस फील्ड की तरफ जाओ जिनका मेरा पहले मूड बन रहा था। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी और कम्युनिकेशन का, मैं स्टार्ट से अपने फ्रेंड को कह रही थी कि हम ये दो रख लेते हैं, ये दोनों हमारी फील्ड में आगे भी काम आने वाले हैं। जैसे अगर हम फोटोग्राफी रखते हैं तो वो हमारे जो प्रोडक्ट की इमेज, फाइनल इमेज और वैसे भी ज़्यादा आई गेस वो ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद सेकंड जो उन्होंने कहा है कम्युनिकेशन का, वो सॉफ्टवेयर है यार, स्किल है, स्किल हाथ में आ जाए तो वो अच्छी होती है। तो अब भूख लगी है, पहले खाएंगे कुछ खाना। और पता चला है कि फर्स्ट टाइम में बसेस चल रही हैं, अल्लाह करे कि बसेस का कोई सिस्टम बन जाए और घर चले जाए। मुझे अपने घर जाना है। कुछ है ही नहीं करने के लिए, बस अब बस खाना खाना है। खाना खाने के बाद हम जाएंगे अपने जूनियर्स के पास और फिर हम जाएंगे उधर बसेस की तरफ के, अगर बसेस चल रही हैं तो घर चलते हैं, मज़े घर जाके सुकून करते हैं। तो चलते हैं। ले लिया जी हमने ये ली, हमारी मिर्चें आने वाली हैं। हाँ सालन गरम कराना है। तो आज की सबसे अच्छी बात कि मेरे आउटफिट के साथ मेरी छतरी फुल मैच है। अब हम अंदर चलते हैं अपने दोस्त को लेने और फिर खाना खाएंगे। तो हमें हमारा दोस्त नहीं मिला, अब हम जाएंगे उसको ढूंढेंगे और वो मिलेगा तो फिर ही हम खाना खा सकते हैं। भूख लगी हुई है, इब्राहिम मिल जाओ। कितना रहती हो? 2000 years later। ये रहा हमारा खाना। इधर ये बच्चों का सारा काम, इतनी इतनी मेहनत गरीबों की। हम लोग तो शुक्र है लास्ट पे अपना सारा ले गए थे। ये देखें, ये हमारी दो सीके का पोर्टफोलियो है, ये उसका पोर्टफोलियो। ये देखें ना, बच्चों के नाम लिखे हुए हैं पूरे उनका सारा, और इन्होंने इस तरह जलीलों की तरह फेंके हुए हैं। देखें, ये इतनी इतनी मेहनत लगती है। ये पूरा लसानी शीट से बना हुआ है, ये देखो ये लसानी शीट पे कितने पैसे उसके लगे ने। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। चलो जो भी बनवाया या बनाया, ये देखो, और ये ऐसे उन्होंने फेंक दिए कि जाए बस ठीक है। ऐसे बच्चों का काम फेंक देते हैं यार, इतनी मेहनत लगती है इस काम को बनाने में। लेकिन अब इनको इंसान क्या ही कह सकते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम जी आपके जूनियर्स को दिखाएंगे, सारा कुछ करेंगे, और ऐसे ही फेंक देते हैं बच्चों का काम। ऐसे नहीं करना चाहिए। अब एक बच्चे ने इतनी मेहनत किया, आप उसका काम उसको वापस कर दो, वो उधर ही है यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उसको बुलाओ और उसका काम दे दो। लेकिन इस तरह हमारी इतनी असाइनमेंट्स है ना, इतनी असाइनमेंट्स है जो ऐसे उन्होंने बस फेंक दी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज के दिन का सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मेरी इतनी प्यारी पिक्चर आई है, किसकी वजह से? सिर्फ ये एक अदद, ये एक अदद इस मेरे दोस्त की वजह से। इतनी मेरी प्यारी कोई पिक्चर आई है ना कि मतलब लेवल हो गया। तो क्या नाचोगे? और अब हमने इंफॉर्मेशन भी ले ली, पेट पूजा भी कर ली। आज के दिन का लास्ट काम है वो है हमने जूनियर्स के पास जाना है, ज़रा शुगर मिला लगाना है, उनसे पूछना है कि वो क्यों आए हैं इस फील्ड में, उन्हें ज़रा थोड़ा बहुत गाइड करना है। और यार तंग भी करेंगे ना, मतलब थोड़ी रैगिंग शैगिंग, समझ रहे हो? वो तो हम कर ही ना ले, हमने उनके साथ बैठ के गप्पे लड़ाने लग जाए ना, रैगिंग रूगिंग नहीं होनी हमसे, हम बतूनी बंदे हैं भाई। नहीं ऐसे हो जाती है तुमसे। अच्छा हमको सिखा रहा है? इधर आओ जरा, तुमसे हो जाती है। इधर आओ जरा, इधर आओ, कैमरे में क्यों नहीं आ रहे अब तुम? बस देख ले लड़के हो के ये लोग शाये हैं इतने, इनका क्या हम कर सकते हैं। तो चलते हैं जूनियर्स के पास। Yes. इतने ज्यादा जूनियर्स देखे,
हम आए हैं इधर जूनियर्स के लिए और पूरी क्लास भरी पड़ी है। रुक जा तो उसके साथ ऐसे फुल जूनियर में पड़े हैं और हम आगे हम आए थे, इन्होंने हमें कहा कि आप थोड़ी देर बाद आना और आप देखो जूनियर हुई पड़ी पहली क्लास। बस सब हिम्मत है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब हम जा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट और हमें उधर जूनियर नहीं मिले। मैंने सारा देखा, आप लोगों को भी दिखाया, हमें कोई जूनियर नहीं मिला और गर्मी की शिद्दत है कि यानी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी तो अगर तो हमारी क्लास खुली है तो हमें हमारी क्लास से अजीज कुछ भी नहीं है। यस, हमारी क्लास खुली हुई है और देख लो हमने नहीं ये किया, हम टीचर ये देखे कौन सा मेज है इस जगह पे। यस, ये रही हमारी जगह और ये रहे हम। तो अभी हम वेले अब हो गए हैं इधर बैठे हुए, कोई बहुत मस्तियाँ शस्तियाँ करते हैं वो मेरे पीछे देखे, हमारे वाले ब्लॉक में ना जनरेटर काम नहीं करते इतना खास। साडा में तो जनरेटर चले थे, लाइट थी, इधर बिल्कुल लाइट नहीं है, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया कि गुजारा हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लॉक को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन माय लाइफ आई ड्रीम अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन माय लाइफ यू ड्रीम अ ड्रीम, दे ड्रीम वी ड्रीम, कॉज यू डोंट बी सैटिस्फाइड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन माय लाइफ यू ड्रीम अ ड्रीम। रश, फुल वाला रश और अभी बसेस चलनी हैं 4:45, मतलब कि अभी इंतज़ार करना है 15-20 मिनट और इस जगह पे खड़े होके इतने रश में। बस के अंदर इतनी ज़्यादा हबस है तो मैंने सोचा कि ना बाहर एक साइड पे आके इधर खड़ी हो जाती हूँ, तो मैं खड़ी हो गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक साइड पे चुप करके बैठ के इन सब को देखने का जो मजा ना वो अपना ही है, ऐसे चिल माहौल में ऐसे सब अपनी अपनी धुन में मस्त है। किसी को क्या पड़ा है, किसी को बस नहीं मिल रही, किसी को बंदी नहीं मिल रही। ओह यार यानी कितनी औसम है यार। बस इसी धुन में सारे लगे हुए। यूनिवर्सिटी के क्या दिन, क्या जिंदगी है यूनिवर्सिटी की जिंदगी, बिल्कुल बहुत चेंज जिंदगी है। बेस्ट ऑफ लक आप सबको जो इन्होंने एडमिशन लिया है नया और जिनका खत्म होने वाला है उनको मुबारकबाद मेरी तरफ से। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो बस मिलते हैं। More I long for more, so this makes me realize that this world will never satisfy my heart. No matter how much I obtain, so my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me